नमस्कार। राजनीति का अर्थ हमेशा से ही कभी भी शासन नहीं होते आ रहा है, हमेशा से ही सेवा होते आ रहा है। मोदी जी के स्वर से बार बार नया भारत का नाम सुनते आए, तो चलिए थोड़ा देख लेते हैं तथाकथित पुराना भारत और आज का मोदी जी का नया भारत का थोड़ा सा चित्र। मनमोहन सिंह जी के दौरान जब ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस रिसेशन चल रहा था, तब हमारा भारत का अर्थनीति इतना मजबूत था कि वहाँ में नीलाम हो जा रहे थे जो उद्योग थे, हमारे देश के उद्योगपतियों ने पानी के दर में खरीद लिया था। और उस दौरान भी हमारे प्रत्यंत गांव में भी करोड़ों को नौकरियां दिया जा रहा था, मनरेगा या बहुत सारे स्कीमों के द्वारा। आज 45-50 साल में हमारा जो इकोनॉमी है सबसे डाउनफॉल हो गया है और हर घर से एक से दो नौकरियां जा रहे हैं, करोड़ों को नौकरी हम लोग गवा चुके हैं, गवाते जा रहे हैं मोदी जी का तथाकथित नया भारत। आज इस परिस्थिति में श्री राहुल गांधी जी का एक राजनेता के तौर पे नहीं, एक आम भारत माता का संतान होने के नाते उनका बात सुनना महत्वपूर्ण हो चुका है। राहुल जी अपना 1.5 दशक से भी ज़्यादा सक्रिय राजनीति में कभी भी एक झूठ नहीं बोले और हर बार मोदी जी को चेतावनी देते आए हैं, सतर्क करते आए हैं भविष्य के बारे में, और हर बार वो सच साबित होते आया है, हो रहा है। तो आज एक आम युवा होने के नाते भी मैं जो युवा और राहुल जी का उठाया हुआ जो नारा है स्पीक अप फॉर जॉब्स, इसको समर्थन करता हूँ। और हर वो युवा का भी एक जिम्मेदारी भी बन जाता है कि इसको सपोर्ट करना, नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, नहीं तो मोदी जी हम चल नहीं सकते, हम आपके विरुद्ध नहीं है, आपके गलत नीतियों के विरुद्ध में है। और बार बार ये पाकिस्तान चाइना एक अनटाइमली डिमाइस जो हो चुका है सुशांत सिंह राजपूत का और रिया चक्रवर्ती और कंगना से ये छुपने वाली नहीं है। और हाँ, एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा, भारत कभी नया बन नहीं सकता, क्योंकि भारत कभी पुराना हो ही नहीं सकता है। माता कभी पुराना अगर हो ही नहीं सकता है तो नया कैसे बने। तो भारत भारत ही था और भारत भारत ही रहेंगे। जय हिंद।